could have been answered all. Hey, you can look at the other. Mark the location. सो फाइनली गाइस हम लोगों ने एएमआर को मैक्स आउट कर दिया और स्टार्टिंग वाला शॉट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लेना ऑल पे सेट। अब लास्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था एएमआर को मैक्स आउट करें तो आप में से कई सारे लोगों ने बोला भैया गजब स्किन है, लिटरली बहुत गजब स्किन है। आज के गेम प्ले में हम लोग उसी का यूज करने वाले हैं और भाई मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग इस सीजन 15 प्लस केडी के साथ जो है तो मेंटेन करेंगे, गेम प्ले डालेंगे और भाई हमारी केडी तो टीम छोड़ो भाई कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। अब जिनको भी केडी देखना है ये गेम प्ले खत्म होने का इंतजार करो और तब तक के लिए आप लोग गेस करो कि आखिर मेरी केडी अभी कितनी होगी। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, 20 प्लस की केडी है अपनी और कितनी है अब आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। एग्जैक्ट देखते हैं कि कौन सही नंबर बता पाता है। फिलहाल के लिए मैंने स्पाइडरमैन की जान बचाई शॉटगन वाले बंदे से, एक बंदे को नॉक किया, पीछे की साइड एक और बंदे को नॉक किया। अब यहाँ स्पाइडरमैन पे उस बंदे ने कर दिया रस और मेरी डीपी पे जो बुलेट थी वो भैया बिल्कुल ना के बराबर थी। यहाँ पे मेरी बुलेट पूरी की पूरी डीपी खत्म हो चुकी थी तो मैंने अपने टीममेट से बोला गन अगर एक्स्ट्रा हो तो दे दो, मैंने बोला चलो रिवाइव कर दो मैं गन ढूंढ लूंगा और यहाँ पे अपने को मिल गई बाइजन। स्पाइडर ले लेगा, ए पिकअप मत करना। एंड इसकी यहाँ पे ब्लेड भैया की पेटी बनाई पीछे की साइड से फुट साइड बंदे के। यहाँ पे इस लेटे वाले बंदे की कच्चे फाड़े। तो गाइस बचे हुए बंदों के कच्चे फाड़ने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या आप बीजीएमआई के टूर्नामेंट्स खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो तो ये पार्ट एंड तक देखना। तो इस ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा के डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ की विनिंग्स ऑलरेडी बांट भी चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिनमें 0 वेटिंग है। और इस ऐप में कस्टम रूम खेलने की भी जरूरत नहीं, बस आप अपना नॉर्मल क्लासिक रैंक्ड मैच खेलो जैसे कि आप रोज खेलते हो। सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा, तो यहां से रोज बीजीएमआई खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में भी बेस्ट है। तो सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करो और आपको 600 का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, जिसे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो जल्दी से जाके साइन अप करो और मजे की बात यह है कि आप जो भी पैसे जीतते हो वो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ, तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 5 लाख रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। सामने एक बंदे को नॉक किया जिसका भैया किल ही चोरी हो गया। राइट में एक बंदे को फुटता है, अरे क्या कर रहा है भाई ये बंदा। अब इस बंदे के ऊपर रस करके हम लोगों ने इसकी पेटी बनाई, तभी पीछे के साइड एक बंदा भैया खड़ा हुआ था फुल टीपीपी मोड ऑन करके। अब आप लोग मुझे एक चीज और बताना गाइस कि क्या लगता है आप लोग को कि क्या हम लोग इस सीजन के एंड तक 20 प्लस की केडी मेंटेन कर पाएंगे। 15 प्लस तो मैंने बोला है लेकिन अभी अपनी केडी भाई 20 प्लस चल रही है, तो क्या उसको मेंटेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे इन सारे बंदों की हम लोगों ने पेटी बना दी। अब हमारे अलावा अभी यहाँ पे और भी 6 बंदे बचे हुए थे। सामने से एक बंदे के फुट आए, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड खोल के डाला।
और ये बेचारा अपना नॉक वाला बंदा यहाँ पे कंफर्म करने आया था, लेकिन भाई उसका नॉक वाला भी मैंने चोरी कर लिया और यहाँ पे उसकी भी ठुकाई कर दी। अब हमें AMR चाहिए थी भाई, तो जीनी अंकल के पास जाना था हमें, तो कहने लगा कि हम निकले जीनी अंकल के पास डायरेक्ट, लेकिन अभी भी हमारे अलावा 3 और बंदे थे। अब यहाँ से जैसे उड़ के जा रहा था, सामने मुझे बंदा स्पॉट हुआ, मैंने सोचा यहाँ पे पोर्टल लगाता हूँ, लास्ट गेम प्ले में जैसे वो बंदा चढ़ा हुआ था वैसे, लेकिन यहाँ पे पोर्टल लगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे विक्की को कवर फायर दिया मैंने, एक बंदे को नॉक किया। अब भाई वहां पे पोर्टल लगा तो मुझे लगा एनिमी है उस पोर्टल के आसपास और वो विक्की था। अभी अपने टीममेट को रिवाइव करने गया, मैं बिना वेट किए निकल पड़ा इस पे रस करने। साथ यहाँ पे इन दोनों की कर दी ठुकाई, वो भी बड़े आराम से। भाई स्कार एल का भी भाई बहुत तगड़ा है इसका, ऑन इट इफेक्ट नहीं है, ग्लोरियस मूवमेंट और पेटी बहुत ज्यादा तगड़ी। अब उसके बाद वहां पे हम लोग लूट वगैरह करके आए, AMR हमें नहीं मिली, लेकिन किस्मत अच्छी थी जहां पे हमारा आइलैंड ने हमें ड्रॉप किया वहीं पे ट्रिपल ड्रॉप गिरे हुए थे और ये भैया उन ड्रॉप्स को लूट भी रहे थे, तो यहाँ पे हमें लगा कि फाइनली किस्मत अच्छी है, चलो ड्रॉप के अंदर तो मिल ही जाएगी AMR। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला वो तीनों की तीनों ड्रॉप ऑलरेडी लूटेड थे और ये बंदा लास्ट में जो खाना बचा हुआ था थाली में उसी को चाट रहा था और हमें भी चटा रहा था अपने साथ। हम लोगों ने वहाँ पे जाके शॉप से फ्लेयर खरीदी, चलाए, उसके बाद मैं और विक्की आ गए सिप में रस करने के लिए बंदों पे और स्पाइडर को बोला कि तू वहीं पे रुकना, AMR आए तो लेके आ जाना, लेकिन उस पे बंदे आ गए। अब सिप पे यहाँ पे एक बंदा हमें स्पॉट हुआ। यार ये पोर्टल का बड़ा गंदा सीन है यार, नीचे लग जाता है पोर्टल। अब इस बंदे को जिसको मैंने नॉक किया था वो पीछे से चढ़ के नीचे कूद गया। स्पाइडर मॉन ने बोला उस पे बंदे आ गए, मैंने बोला भाई तू सिर्फ ड्रॉप चेक कर ले, अगर उस पे AMR ना हो तो डायरेक्ट हम पे आ जा उसको छोड़ के। और ये गिली सूट पहना हुआ था बंदा, तो हमें लगा शायद से इसके पास मिल सकती है हमें AMR, लेकिन इसके पास भी भाई साहब हमें कोई भी अपग्रेडेबल गन, अपग्रेडेबल बोल रहा हूँ, स्नाइपिंग वाली AMR नहीं मिली। अब यहाँ पे जब इसकी हम लूट रहे थे पेटी, तभी पीछे के साइड से बंदों ने DP से हमें मारने का ट्राई किया और हम पे कर दिया रस। अब मैं विक्की को लेके जा रहा था यहाँ पे नाटक किया जाने का, जिससे वो बंदा जंप कर गया। भाई बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही भाई, लिटरली विक्की ने बोला भैया ये हैकर है क्या, मैं बोला भाई मेरे को नहीं मालूम भाई, इसके पास जीरो जीरो स्किन्स है भाई, जीरो। अब पीछे की साइड एक बंदा और रस कर रहा था, उसको विक्की ने नॉक किया, उस बंदे को फिनिश वगैरह करके हम लोग वापस से निकल के आए ड्रॉप के पास, क्योंकि अभी तक हमें AMR नहीं मिली थी। और जैसे हम इस ड्रॉप पे आए तो सामने से बग्घी स्पॉट हुई, मैंने सोचा जल्दी से ड्रॉप को चेक करके और निकल जाएंगे, तभी एक और बग्घी आ गई और भाई ये उड़न खटोला इसकी भैंस की डिंगडिंग। यहाँ पे विक्की हो गया नॉक, मेरी कालीन ऑलमोस्ट ऑल खत्म थी, मेरी HP 50 HP बची मेरी और मेरे पे हो गया बंदों का रस। बग्घी वाले बंदे को मैंने लिट किया, लेकिन भाई वो यहीं पे रुक गया, एक मॉली लेफ्ट में करी जिससे वो राइट में आया, लेकिन पीछे की साइड से एक और बग्घी। पूरा मॉली फैल गया लेकिन वो बंदा अभी तक जला नहीं। दो बंदे और मेरे नीचे, एक बंदा सामने, इसको डैमेज किया, नीचे से ग्रेनेड खोला उसने जैसे ही, मैं यहां पे टेलीपोर्टर का यूज करके पीछे आ गया। यहां पे धीरे से कवर में बैठा, हीलिंग स्टार्ट करी अपनी। भाई पूरे चार बंदे थे और मेरे पे कोई नहीं था, ना स्पाइडर मॉन था ना विक्की। एक बंदा नॉक, तब तक स्पाइडर मॉन आ गया मेरे पे, बंदों ने रस कर दिया यहां, मैंने टेलीपोर्टर लगाया, मैंने पीछे आया, दूसरा नॉक, तीसरा डैमेज, राइट में एक बंदा रिवाइव कर रहा है।
एंड बूम भाई, यहां पे पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। विक्की भी आ गया तब तक रिकॉल होके, और तब तक मैंने यहां पे इनके तीन बंदे नॉक भी मार दिए थे। अब बचा हुआ था सिर्फ आखिरी बंदा यहां पे बालकनी में। अब मुझे लगा बालकनी में फिनिश हो गया मॉली से, लेकिन अभी भी वो बालकनी में लेटा हुआ था। मैंने यहां पे ग्रेनेड कुक किया, नाचने लगा वो बंदा। एंड इसी के साथ ये वाला क्लच आप लोगों को कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। एंड हम लोग को यहाँ पे इस ड्रॉप के अंदर भी एएमआर नहीं मिली। फिर उसके बाद हम इन बंदों से सारे के सारे इनके पैसे लूट के जाते हैं, फ्लेयर एक और लाते हैं, और उसके बाद जोन के अंदर आते हैं यहाँ पे फ्लेयर चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे भैया कूप आर भी जा रही थी, स्पाइडर पे भी गाड़ी आ गई। दो बंदे नॉक, एक बंदा सामने बग्घी लेके और पीछे डीपी चला रहा था कोई दूर से। एक और बंदा नॉक, तीन बंदे मैंने नॉक कर दिए। टेलीपोर्टर लगा के मैं रस करने जा रहा था, सोचा टेलीपोर्टर छत में लग जाए, लेकिन लग ही नहीं रहा था। और बाय द वे गाइस, जो गाड़ी से चलती गाड़ी से बंदे उतारे वो स्प्रे अगर आप लोग को अच्छा लगा तो जानते हो क्या करना है। ग्रेनेड किया, बूम, एक बंदा फटा, नॉक हुआ और एक बंदा फिनिश हो गया। बंदा? भाई यहाँ पे चार बंदे हम लोगों ने निपटा दिए, फिर भी अभी पूरी टीम फिनिश नहीं हुई। एक और बंदा नॉक, भाई पांचवा बंदा यहाँ पे नॉक हुआ। यहाँ पे रिकॉल तो खत्म हो चुका था, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बंदे अलग अलग टीम के थे, इसीलिए सारे के सारे नॉक हो रहे थे, कोई फिनिश नहीं हो रहा था। फिलहाल ये पीछे अपना नॉक कंफर्म किया हम लोगों ने, अच्छे खासे किल्स हो गए। अब यहाँ पे आए हम लोग फ्लेयर चलाए, लेकिन भैया यहाँ पे ऑलरेडी कोई आके बैठ गया। इस बंदे पे मॉली करा मैंने और दूर से किसी ने विक्की को डैमेज किया। अब यहां इसको जैसे फिनिश किया ऊपर गया भाई, इसकी भैंस की टांग मॉली से जला नहीं, और भाई जीरो फुट्स देके ये बंदा लेटा हुआ था। और हिल से एक बंदा लगातार स्प्रे दिए जा रहा था, मैंने लगाया यहां पे टेलीपोर्टर, मैं कहा भैंस की टांग एएमआर चाहिए अपने को। और फाइनली यहां पे हमें एएमआर मिल गई भाई साहब, इतनी देर की मेहनत के बाद इतनी फ्लेयर, इतने ड्रॉप, भाई कम से कम हम लोगों ने 6 ड्रॉप लूटे और 2 फ्लेयर मंगाई हम लोगों ने, उसके बाद हमें 1 एएमआर मिली। मतलब देख रहे हो भाई साहब कितनी ज़्यादा मेहनत लगी, ऊपर से बंदों से फाइट तो ले ही रहे थे। अब हिल पे जो बंदा था वो हमें स्पॉट हो गया था, पेड़ के पास से स्प्रे दे रहा था वो, स्पाइडर मॉन ने कन्फर्म किया यहाँ पे लोकेशन उसकी। बॉट हुआ, मैंने एक एमआर की बुलेट चलाई, लगी ने उसको एक और एम किया एंड बूम, भाई क्या ही किल मैसेज इसका। इसमें ऑन हिट इफेक्ट भी है एएमआर में, लेकिन भाई इतना लॉन्ग रेंज यूज करेंगे तो ऑन हिट इफेक्ट का मतलब ही क्या। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे निकल पड़े उस बंदे की पेटी देखने के लिए कि भैया एएमआर की पेटी आखिरकार लगती कैसी है। और यहाँ पे क्या ही शेर निकला, उसका किल इफेक्ट क्या है खतरनाक, पेटी भी बहुत ज्यादा गजब है गाइस, मतलब लिटरली बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल है पेटी। उसी टाइम पे विक्की ने बोला इसकी आंखों में देखा, मैं बोला आंखों पे क्या देखूं भाई, ओ भाई आंख में बिल्कुल आग जल रही भाई, ज्वाला शेरों की आंख में भाई, ये खतरनाक है। डिटेलिंग काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन भाई इतना ज्यादा क्लोज में कौन ही देखेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना उड़न खटोला लेके जा रहे थे, तभी छत पे एक बंदा लेटा हुआ दिखाई दिया और एक बंदा पेड़ पे राइट में दिखाई दिया। छत वाला बंदा पेड़ वाले को देख रहा, पेड़ वाला बंदा छत वाले को देख रहा, पीछे से कोई कालीन लेके उड़ के जा रहा, छत वाले बंदे को निपटाया, पेड़ वाले बंदे को भी निपटाया। उसके बाद मैंने सोचा इसे फिनिश करूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्लोज में जाके इसका किल इफेक्ट देखते हैं। तभी पीछे से एक और बंदा आया, भाई क्या ही उससे शेर निकलता है भाई साहब, पेटी से क्लोज में तो लिटरली मस्त है। अब पीछे से भाई उड़न खटोला था इनका, बंदों का फ्यूल खत्म हो गया और वो ओपन में ही गिर गए।
मैंने यहाँ पे स्पाइडर को बोला कि अपना उड़न खटोला निकाल, गाड़ी छोड़ दे और जल्दी से चल बंदों के साइड, और मैं पीछे की साइड से रोटेशन दे के जाता हूँ ताकि मैं एएमआर का यूज कर पाऊँ। एक बुलेट लगी इसको। अब भाई अपन स्नाइपिंग वाले बंदे हैं नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि 8x स्कोप मैंने कभी यूज नहीं किया, लिटरली ना के बराबर यूज किया है मैंने। ये लगा एक और बुलेट भाई, चार में से दो बुलेट कनेक्ट हुई, वही मेरे लिए बड़ी बात है। अब अगर आप लोग बोलोगे कि आप लोग को भाई स्नाइपर वाले गेम प्ले भी चाहिए AWM के AMR के, तो मैं सेंसी वगैरह का प्रैक्टिस कर लूंगा, इसका 8x का सेट कर लूंगा अगर आप लोग को चाहिए तो। फिलहाल यहाँ पे मैंने सोचा इस बंदे को मॉली से फिनिश करता हूँ, क्योंकि मॉली भी हम मैंने AMR की लगाई थी। एक रैंडम स्प्रे दिया बंदे पे, बंदा पीछे गया, मैं बोला भाई मॉली से चल जा यार, क्या कर रहा है सामने, डांसिंग ग्रेनेड किया उस बंदे पे। अब मुझे लगा शायद इसने त्याग दिया है, फाइनली खत्म हो जाएगा, तो मैंने मॉली करी, लेकिन भाई यहाँ पे फार्मर्स की मॉली लगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और पीछे यहाँ पे विक्की नॉक, डांसिंग ग्रेनेड मैंने निकाला, भैंस की टांग भाई वापस आ गया। मैं वहां पे गया और मेरे को लिटरली जाते जाते उस बंदे ने 10 HP कर दिया। डांसिंग ग्रेनेड दे जल्दी, चेक पे आ रहा है, पुश कर रहा है। मार्क द लोकेशन, थैंक यू। अब इस बंदे को मैंने लिट किया, 2-1 एंड जंप भाई, ये वाला मूवमेंट लिटरली खतरनाक था, लिटरली लास्ट सेकंड में टेलीपोर्टर का यूज करके यहाँ पे इस बंदे को खत्म कर दिया। और एक और स्क्वाड वाइप, अब सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए थे, AMR की अपनी पूरी की पूरी बुलेट हो चुकी थी खत्म। मैंने यहाँ पे गन स्विच कर ली और उसके बाद MG3 ले ली। भाई AMR गन यूज करने में ये भी एक दिक्कत है कि इसमें बुलेट्स बहुत कम मिलती है। अब यहाँ पे हम लूट वगैरह कर ही रहे थे कि पीछे की साइड भाई फायर हुआ, भाई जोन के बाहर से आता हुआ ये बंदा स्पॉट हुआ, इसको भरा मैंने, और इस बंदे को पीछे जोन के बाहर से कोई और मार रहा था, तो मैंने कहा ये बंदा जोन से पक्का फिनिश हो जाएगा, और स्पाइडर मॉन को भी मार रहा था उड़न खटोले को, स्पाइडर मॉन के मैं बोला तुम लोग जब तक लाओगे तब तक तो कुर्बान हो जाएगा। एंड एक बुलेट हेड लगी और यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस आज का गेम प्ले आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लेना ऑल प्रेजेंट। और अब आप लोग कमेंट्स में बताना भैया केडी कितनी है मेरी, जिनको भी देखना हो तो आपको कैरेक्टर आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक करो और देखते हैं आप में से कितने लोगों ने सही कॉमेंट में केडी गेस की। तो मिलते हैं और नए कमाल के गेम प्ले में, दिल से आ रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।